हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी साई प्रसाद चिटफंड कंपनी से ठगे निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे इस न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपकी डिमांड होती है कि सर हमें साई प्रसाद कंपनी की न्यूज़ दिया करो, तो दोस्तों मैं आपके कमेंटों के जवाब में यही बताता हूँ कि अभी हमारे पास जो हमारे मीडिया के स्रोत्र हैं, चाहे वो सेबी वेबसाइट हो या गोद मीडिया के चैनल अदर, जो भी हमारे स्रोत हैं, उनसे अभी तक हमारे पास किसी तरह की कार्रवाई की सूचना नहीं आती। तो दोस्तों, आज जो हम आपके लिए न्यूज़ लेकर आए हैं, वह आपकी साई प्रसाद जो दफ्तर था उसमें सोची समझी साजिश के तहत आग लगा दी गई है। तो दोस्तों, यही न्यूज़ आज हमें मिली है, तो आपके लिए हमने सोचा कि आपके सम्मुख आपकी न्यूज़ को ज़रूर रखा जाए। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि पूरी न्यूज़ ये जो हमारे पास आई है, ये कोरबा से क्या आई है। ज़िले के CSEB थाना इलाके में 2 साल पहले सील की गई चिटफंड कंपनी साई प्रसाद के दफ्तर में भीषण आग लग गई। आगजनी से दफ्तर में रखे दस्तावेज और सामान जलकर खाक हो गए। नगर सेना और CSEB के दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि घटनास्थल में माचिस की तिल्ली समेत डिबिया बरामद हुई है। आशंका जताई जा रही है कि दफ्तर में आगजनी की यह घटना सोची समझी साजिश हो सकती है। अराजक तत्वों की करतूत होना भी माना जा रहा है। इलाके के लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी है। दफ्तर में रात में लगी आग, सुबह जब धुआं निकल रहा था तब उसको इसका पता चला, फिर दमकल और पुलिस को सूचना दी गई। घटना की सूचना मिलने के बाद CSEB पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुट गई। आगजनी की घटना से अंदर रखे सामान जलकर खाक हो गए। बता दें कि जिला प्रशासन ने 2 साल पहले साई प्रसाद के भवन को सील किया था। तो दोस्तों, इसमें जो साजिश के तहत आग लगाई गई है, इससे साफ जाहिर है कि निवेशकों का जो लेखा जेखा लोखा जोखा होगा, जो इनकी डिटेल होगी, जो इनके दस्तावेज़ होंगे, न जाने कितने ऐसे सबूत होंगे, जो निवेशकों के पैसे मिलने के होंगे, वो सब दोस्तों इसमें जलकर भस्म हो गए। तो दोस्तों, आपके पैसे मिलने की एक तो एक बड़ी लंबी प्रक्रिया जो इस वक्त ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। तो दोस्तों, उसके ऊपर ये तुर्रा के ऑफिसों को आग लगा दी गई। तो दोस्तों, आसमान का गिरा खजूर में अटका, यह कहावत UP में है और स्टिक कहावत आपके ऊपर बैठ गई। दोस्तों, एक तो पहले पैसे मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है, उसके ऊपर उसके बाद ये इस तरह की घटना इस बात को संकेत करती है कि तमाम सबूतों को मिटाए जाने की कोशिश की जा रही है और गरीब का पैसा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, अभी तक इसका कोई हमारे पास कोई सूचना कोई खबर नहीं आ रही। तो दोस्तों, ये बड़ी न्यूज़ आपको इस न्यूज़ चैनल से दी जा रही है और आपसे रिलेटेड जो भी न्यूज़ होगी दोस्तों, हमारा वादा है कि आपको सबसे पहले लेकर आएंगे। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए US खान को दे इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।